किसी एक ऐसे प्लेयर का नाम लीजिए जो बहुत समय से है सीन में। देखिए फिर अगर बात कर ली जाए वो तो मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं कि रिकॉर्ड यहाँ पर वो खिलाड़ी, क्योंकि बहुत लंबे समय से यहाँ पर टीम में बहुत बेहतर तरीके से देखिए प्रदर्शन भी करते नजर आते हैं। चलिए अब बात करते हैं टीम आईक्यूसोल की, क्योंकि ये टीम ना दूसरों को जगह बनाने का मौका यहाँ पर बिल्कुल देती नहीं है। और लीजिए एक नॉक सिंपल यहाँ पर पैटर्न रहता है कि क्लोजिंग करते नजर आए। और अभी और मैं देख रहा हूँ अभी के लिए टीम आईक्यूसोल की रोटेशन भी तो चल रही है, स्टेज नंबर वन ही है, कोई खास ज्यादा फाइट्स आपको यहाँ पे अमूमन दिखती नहीं, बट इस गेम में पता नहीं कैसे दिख रही है थोड़ी ज्यादा। आई रियली लाइक इट कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप देखिए बड़ा सरकार को क्या टीम कहाँ बैठी है, किस हिसाब से खेल रही है, कैसा गेम चलता दिख रहा है, सो रियली लाइक द थिंग। बट अगर हम बात करें यहाँ से स्टेज नंबर वन, 1 मिनट के आसपास का कुछ एक समय रहेगा और मान्या उनके द्वारा FS के क्लच को डाउन किया जाएगा। मुझे लगा था कि फाइट से दूर रहेंगी बट यहाँ तो FS के खेमे में एंट्री कर चुकी है। बात करिए जिस तरीके से चीजें ये चल रही है, हमने बात करी भी थी कि टीम आईक्यूसोल यहाँ पर वो लगातार ना क्लोज इन करते नजर आते हैं, लेकिन जानती है टीम की कार्य अभी भी समाप्त हुआ नहीं है, टीम फिनिशर्स जरूर अपने नाम हुए। चलिए हिटमैन जो कि अंतिम प्लेयर शेष थे टीम FS की तरफ से, उनको उनका भी समापन जो है देखने को मिल जाएगा, उनको भी इस लॉबी से बाहर करा जाएगा। और टीम आईक्यूसोल और इस बीच आप देखिए तो टीम हेक्टर ने पुश किया टीम आईक्यूसोल पे, साथ के साथ विंडगार्ड आपको इर्द गिर्द यही मंडराते देखिए कि एक्ट्रिक एचपी ऑलरेडी काफी ज्यादा कम है, गोलियां डालनी पड़ेंगी, कनेक्शन ढूंढने पड़ेंगे माने के द्वारा, वो अपनी जाते हैं किसी जरूर से। और अब यहाँ पे सीधा पीछे घुमा टैग करने की कोशिश बट उल्टा माने को किया डाउन, इस पावर गेटिंग दोस फिनिशर्स कंफर्मेशन वो यहाँ पे निकाल रहे हैं की कोशिश रहेगी जरूर से। स्कूल के इर्द गिर्द उन मेन बिल्डिंग्स के अंदर जो है जगह बनाकर रखना चाहती है, लेकिन हम सब जानते हैं ये एक ऐसा रीजन है जहां पर टीम आईक्यूसोल उतरते हैं उनके होम टाउन की तरफ जोन आया है, तो उनको पछाड़ना तो इतना आसान रहेगा नहीं। लेकिन टीम गॉड लाइक की तरफ से अगर बात कर ली जाए वो टीम भी फाइट के अंदर अपनी जो कमिटमेंट है वो दिखाती नजर आ रही है, बट बिग फिगर्स की तरफ से सैफ की तरफ से अगर बात करें जोनाथन डाउन कर दिए जाएंगे, भी लगातार कुछ रिटेलिएशन ट्रेड निकालकर अपने ओपोनेंट्स को मात देते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ टीम आईक्यूसोल मानो कि ये तो अपने ओपोनेंट्स को सांस तक नहीं लेने दे रहे हैं, थर्ड पार्टी नहीं जा सकती टीम आईक्यूसोल के माने तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जेनेसिस के टपा टप के ऊपर एक कनेक्शन आता रखेगा, ग्रेनेड चली बाहर निकाला स्प्रे करने की कोशिश, स्विच किया एस्ट्रल के पे, एक अच्छा कनेक्शन डैमेज दिया। और चलिए देखिए मान्या की बात कर ली जाए, मान्या कह रहे हैं मैं नहीं मानने वाला, आप यहाँ पर जो जैसे तैसे रोकने का प्रयास कर लीजिए, लेकिन इस मुकाबले में तो अब जो जीत है वो हम अपने नाम लेकर ही जाने वाले हैं। ग्राउंड का भी एडवांटेज है, टीम गॉडलाइक की बात कर लीजिए मुझे नहीं लगता उनके लिए निकलना इतना आसान रहेगा, क्योंकि हर एक डायरेक्शन से फिलहाल उनको जो है पिन डाउन करा जाएगा। और लीजिए उसकी शुरुआत हो चुकी है, पहले यहाँ पर जो सिम डाउन हुए और अब कहीं ना कहीं जली भी डाउन होते नजर आ रहे हैं, केवल एक प्लेयर के साथ जीवित नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ से सर्विस भी बैक टू बैक देखिए फ्रैग्स निकाल रहे हैं, और एक तरफ के पास तो अभी भी वो जो एक्सेंट्रिक एडवांटेज है जीत की दहलीज में यहाँ पर जो दस्तक देने के लिए मानो कि ये टीम तैयार है, तीव्र गति के साथ लगातार जो फिनिशेस हैं वो टीम आईक्यूसोल के द्वारा निकाले जा रहे हैं लगातार। देखिए इस बॉल के पास 6 ग्रेनेड्स हैं, कोई एक नेट तो चलेगी, कोई एक नेट तो लगेगी, कोई एक नेट तो समाप्त करेगी, रेक्स का भी कंफर्मेशन 8 बिट वो आखिरी टीम बचते हुए, बट क्या ही कर लेंगे, एक तरफ आपको चक्कर आगे आते देखे तो बाकी दूसरी दिशा में आप देखिए इस पावर के द्वारा ग्रेट चल रही। और मान लीजिए किसी तरह बच के तो ऊपर एक खिलाड़ी बैठा है, चलिए जूसी बिटाउन मैक वो आखिरी खिलाड़ी तो बच के निकलने की कोशिश है, मैक जरूर से जुगल ऊपर पे करना चाहेंगे, दूसरी तरफ से इस पावर ओपन में आते देखेंगे जरूर से, इस बार देखा समाप्त किया और टीम आईक्यूसोल वो 8 बिट के हाथों छीन के लेके जाएंगे इस गेम को, विंड गॉड से भी छीन के लेके जाएंगे।